वेलकम बैक टू आवर चैनल चेरी चाय। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है आप घर पे कैसे आप हेयर स्पा कर सकते हो। अगर आप सलून नहीं जा सकते हो तो आप घर पर बहुत ही अच्छे से आप हेयर स्पा कर सकते हो। तो मैं आज वीडियो में बताऊंगी पूरा प्रोसेस, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमको हेयर स्पा करना है। तो सबसे पहले हमने वॉश करना है, हेयर वॉश करना है, और मैंने किया है इनका वॉश, ये है लॉरियल का ये हेयर स्पा शैम्पू है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल शैम्पू से भी आप हेयर स्पा कर सकते हैं, नॉर्मल शैम्पू से भी आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करने से पहले आपको हेयर को वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, तभी आपकी जो क्रीम होगी, आपका प्रोडक्ट है, वो अच्छे से पेनिट्रेट होगा। तो फर्स्ट हमको अप्लाई करना है शैम्पू, देन हमको ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं, ये हेयर स्पा की क्रीम है। मैं इसका लिंक शैम्पू एंड जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो ये हेयर स्पा की क्रीम होती है इसमें बहुत तरह की होती है, यहाँ पे लिखा होता है आपको जैसे आपके हेयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्रीम्स मिलती है, उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है, स्मूथ हेयर के लिए चाहिए, शाइनिंग के लिए चाहिए, जो भी आपको चाहिए, डैमेज हेयर के लिए चाहिए, तो इस तरह की आप क्रीम्स का यहाँ पे लिखा होता है, आप उसको देखकर ले सकते हैं। हमारे पास है डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम बाथ, ये है डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम बाथ। और आप डायरेक्ट शैम्पू के बाद वेट हेयर पे, आपको ड्राई हेयर पे इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, आपको इसको वेट हेयर पे अप्लाई करना है। तो आप शैम्पू के बाद इसको डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे पहले इसमें आप इसमें चाहे तो आप विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा रफ है, आपने कलर किया हुआ है, हाइलाइटेड हेयर है आपके, तो आप उसमें एक आता है लॉरियल का पावर डोज, मैं आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये अगर आपको ऑनलाइन भी नहीं आपको मिल रहा है तो आपके जो लोकल जो आपके मार्केट होती है वहां पे केमिस्ट की शॉप में ये अवेलेबल होते हैं। तो ये है लिपेयर रिपीडियम, और इसको पावर डोज के नाम से भी इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट रिपेयर लिपीडियम है ये। और इसको आपको पहले हेयर में अप्लाई करना है, इसको इसके साथ आपको मिक्स नहीं करना है, इसको पहले आपको हेयर में अच्छे से पूरे हेयर में इसको अप्लाई करना है। तो कैसे कैसे मैं करती हूँ प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, और साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स कि हमें कैसे यूज करना है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज्यादा बातें हो गई है तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास है एक पंप, अगर आपके पास पंप नहीं है कोई नहीं, क्योंकि मैंने इसका पूरा पैकेट लिया था तो उसके साथ ये पंप मिलता है। तो आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, आप इसको हैंड से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको टॉवल ड्रेपिंग करनी है, अगर आपके पास शीट है तो आप शीट को भी पहना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ट्रेंगल कॉम, ब्रश एंड टेल कॉम रखा हुआ है, और प्रोडक्ट्स हैं। मैं पहले जो हेयर हैं उनमें जो टैंगल्स हैं उसको मैं रिमूव करूंगी, और मैंने यहाँ पे मोटी वाली जो कॉम्स होती हैं वो लिया है, इसको डिटेंगल कॉम कहते हैं। और मैंने ये जो पावर डोज है इसको मैंने पंप के अंदर इसको फिक्स कर लिया है, और मैं पूरे बालों में अच्छे से मैं इसको इस तरह से स्प्रे कर लूँगी, और फिर हल्के हाथ से इसको हल्का सा मैं मल्सीफाई करूँगी और मसाज करूँगी। तो इससे जो आपके टैंगल्स वगैरह हैं वो भी ईजिली स्मूथली, चाहे कितने भी आपके रफ हेयर हैं, सारे इससे स्मूथ हो जाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा आयरनिंग, आप ब्लो ड्रायर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे भी आपके जो इसको लगाने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पा की क्रीम ली है, और मैं एक साथ सारा प्रोडक्ट नहीं लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं लूँगी। और मैंने यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, मैंने वो भी डाले हैं जिससे बाल और भी अच्छे हो जाएँ। आप क्रीम को लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा 4-5 चम्मच आरओ का पानी ले लें, जिससे कि जो क्रीम है बहुत थिक, बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो इसको अच्छे से पानी के साथ 4-5 चम्मच बस पानी के साथ इसको मिक्स कर लें।
और इसको इस तरह से रूट से आपको एंड्स तक इस तरह से इमल्सीफाई करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, स्मूथली हैंड चलाना है और इसको आपको लगा के छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से इमल्सीफाई करना है जिससे कि हमारा सारा प्रोडक्ट आपके अंदर क्यूटिकल्स जो होते हैं हेयर के उसके अंदर पेनिट्रेट हो, और इस तरह से फिर आपको कॉम से भी इसको कॉम करते रहना है साथ साथ। लेकिन हमको क्रीम जो है वो हमेशा वेट हेयर पे ही करनी है, ड्राई हेयर पे नहीं करनी है, क्योंकि ड्राई हेयर पे इसलिए नहीं करनी है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ड्राई हेयर में अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा और आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। जो हमारे वेट हेयर होते हैं उस समय क्या होते हैं, जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन होते हैं बालों के, जो मीन्स पोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं गीले बालों में, तो जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो हमारे और हम शैम्पू भी इसलिए पहले करते हैं जो हमारे हेयर की फर्स्ट लेयर होती है, मीन्स उसमें एक जो बाहर की जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो आपका क्लीन हो जाता है, सरफेस जो हेयर का सरफेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इससे क्या है कि आपको गीले बालों में ही आपने प्रोडक्ट को लगाना है। आप जितने स्मूथली इसको अच्छे से इसको इस तरह से इमल्सीफाई करेंगे आपका जो प्रोडक्ट है उतना जल्दी अंदर एब्जॉर्ब होगा और आपके बाल उतने ही स्मूथ होंगे। ये नहीं है आपने बस क्रीम अप्लाई कर दिया हो गया, नहीं, आपको उसको अच्छे से इमल्सीफाई करना है। और आप सोचेंगे कि इसको रूट्स में करना चाहिए, इसको रूट्स में करना होता है जो हम शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करते हैं उसको कभी भी आप रूट्स में ना लगाएं। लेकिन जैसे हेयर स्पा हो गया या फिर हेयर मास्क आते हैं, लॉरेल के हेयर मास्क हैं, वो आप इसको मतलब जो रूट्स है वहाँ तक इसको अच्छे से रख सकते हैं लगा के, ये बालों को नहीं नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपको इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन आप अगर ऐसे वर्क करेंगे तो आपका काम ईजिली भी होगा और बाल फंसेंगे नहीं, बहुत अच्छे से आपका कब वर्क हो जाता है। हेयर स्पा हमें कब कब करना चाहिए? हेयर स्पा आप हफ्ते में, अगर आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर हैं, आपने रिबॉन्डिंग कराई है, रिबॉन्डिंग के बाद आपके बिल्कुल बाल बेजान हो चुके हैं, तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर हेयर स्पा करिए। वो आप ऐसा करिए कि जैसे आप वॉश करते हैं और उसके बाद कंडीशनर लगाते हैं, तो आप कंडीशनर ना लगा के हेयर स्पा क्रीम को अप्लाई करके छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए, और 15 दिन में आप इसी तरह से अपने बालों में अच्छे से ये हेयर स्पा की क्रीम लगाइए, अच्छे से इमल्सीफाई कीजिए, मसाज कीजिए, देन आप 10 मिनट्स के लिए आप हॉट टॉवल को अपने बालों पे ड्रेप करके उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप जाके वॉश करें। इस तरह से आपके बाल जितने भी डैमेज हैं वो सही अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपने बहुत कलर किया हुआ है उन बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, या फिर आप डेली कलर लगाते हैं जिनके ग्रे हेयर होते हैं वो तो उनको तो 15-20 दिन में तो उनको कलर लगाना ही होता है, तो उससे भी क्या होता है कि हमारा हेयर फॉल हो जाता है, तो हेयर फॉल के लिए हेयर स्पा बहुत अच्छा है। और अगर जैसे आपके डैंड्रफ हो रहा है तो डैंड्रफ वाला जो हेयर स्पा में एम्ब्यूल्स होते हैं वो आप उसमें डालिए, तो उससे आपके डैंड्रफ नहीं होगा। हेयर स्पा करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे आपको बालों में ड्राइनेस नहीं रहती है, आपके डैंड्रफ नहीं होता है, और जिनके जो ग्रे हेयर हैं उन लोगों के लिए जो मतलब हेयर फॉल हो जाता है ज़्यादा कलर यूज़ करने से, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा हल्का सा इसमें मसाज कीजिए, ज़्यादा हार्ड हैंड से ना करें, क्योंकि जो क्रीम होती है उससे बाल क्रीम लगी होती है और आप गीले बालों को ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बाल टूटने का डर होता है, इसलिए बहुत लाइट हैंड से आप इसको मसाज दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट की मसाज दी है और मैं इसको हॉट टॉवल से इसको इस तरह से ड्रेप कर लूँगी और मैं 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी एंड वॉश करेंगे। तो इनका वॉश हो गया है और इसके बाद मैं करूँगी ब्लो ड्रायर। तो मैं ब्लो ड्रायर जो है वो रखूँगी, कूल ड्रायर करूँगी, मैं इनको हीट नहीं दूँगी। तो जब भी आप हेयर स्पा करते हैं या फिर आपके बाल गीले होते हैं तो डायरेक्ट आपको हीट नहीं देनी होती है, आप कूल ड्रायर ही करें, क्योंकि ब्लो ड्रायर से बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं हेयर, तो इसलिए आप या तो मीडियम रख, पहले आप कूल करें फिर मीडियम करें। और गीले बालों पे भी कभी सिरम ना लगाएं जब आपके बाल
50 या 60% आपके ड्राई हो जाएं तभी आप सीरम अप्लाई करें। में कम से कम दो बार आप हेयर स्पा कीजिए 10 या 15 दिन में। और समर्स और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है क्योंकि हमारे जो स्कैल्प है उसमें स्वेटिंग की वजह से ऑयली डैंड्रफ होता है, तो इसलिए आपको हेयर स्पा करेंगे तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। लॉरेल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे हेयर मास्क हैं, तो मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें ज़रूर बताऊंगी कि कौन सा हेयर मास्क कब आपको कैसे यूज़ करना चाहिए किन बालों के लिए। जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ब्लो ड्रायर करते हैं, आयनिंग करते हैं, कर्ल्स करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं, बहुत सारा केमिकल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर स्पा करना। जैसे कि आजकल कोविड-19 में सारे सैलून्स में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप घर पर ही अपने बालों की, अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।